आप विचार कीजिए 1.5-2 साल पहले की परिस्थिति का, हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे, लॉकडाउन था, लोगों के सामने प्रश्न था, हम बचेंगे क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए भी आदमी जा नहीं सकता था, ये परिस्थिति थी। और ऐसी परिस्थिति में मोदी जी ने न केवल हमको मदद की, बल्कि इस देश के अंदर मोदी जी ने वैक्सीन तैयार करवाया। और यकीन मानिए, दुनिया में केवल 5 देश वैक्सीन तैयार कर पाए, केवल 5 देश, और उसमें हमारा भारत देश है कि जिस भारत देश ने वैक्सीन तैयार करके दिखाया। अब आप विचार कीजिए, अगर हमारे देश में वैक्सीन तैयार नहीं होता, हम अमेरिका या ब्रिटेन के सामने हाथ फैलाकर खड़े होते कि जी हमको वैक्सीन दे दो, हमको वैक्सीन दे दो, वो कहते कि रुको, अभी हमारे लोगों को टीका लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद हम आपको देंगे, उनके लोग तो अभी भी समाप्त नहीं हुए, तो हमको वैक्सीन कभी नहीं मिलता, करोड़ों लोग मर जाते लेकिन हमको वैक्सीन नहीं मिलता। मोदी जी ने न केवल वैक्सीन तैयार करवाया, बल्कि इतने बड़े देश में, 130 करोड़ के देश में ये वैक्सीन एक ही दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अंडमान तक हर गांव में एक समय पहुंचता था। और ये वैक्सीन को पहुंचाना आसान काम नहीं था, इसको कोल्ड चेन में पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो वैक्सीन की इफेक्टिविटी समाप्त हो जाती थी। 3 लाख कोल्ड चेन रातों रात तैयार की गई और एक साथ हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में वैक्सीन पहुंचा और 130 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दो दो बार देकर मोदी जी ने कोविड से हमको बाहर निकाला। आज भारत देश कोविड की चपेट से बाहर निकला तो मोदी जी के कारण निकल पाया। और इतना ही नहीं है, अब भारत के साथ साथ 40 देशों को भारत ने कोविड का वैक्सीन दिया। मैं परसों मॉरिशस गया था, मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मैं, ऐसे हम दोनों ने मिलकर वो अनावरण किया। और अनावरण के बाद मैं मॉरिशस के राष्ट्रपति जी को मिलने गया, तो राष्ट्रपति जी ने मुझे कहा कि देखिए, हम तो मोदी जी के बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस समय भारत में टीकाकरण हुआ उसी समय मोदी जी ने हमको भी वैक्सीन दी, आज हम सब लोग जिंदा है तो मोदी जी के कारण जिंदा है। तो ये जो एक लीडरशिप इस कोविड के समय मोदी जी ने दिखाई।